आज कटिहार के समरणालय एनआईसी सभागार में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा कटिहार जिला अंतर्गत पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान के डेमोन्स्ट्रेशन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम गति शक्ति के पहल को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर क्रियान्वयन के पश्चात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करने हेतु पूरे बिहार में कटिहार जिला को चुना गया है। बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम गति शक्ति योजना की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई थी। इसका उद्देश्य था कि सभी आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना। 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का काम शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियाद ढांचा प्रदान करना है। आज पीएम गति शक्ति के तहत भारत सरकार का टीम कटिहार जिला में आया है और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों का पीएम गति शक्ति के बारे में एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से उसमें एक नेशनल मास्टर प्लान बनना है, उसके तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक प्लानिंग के लिए और विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सभी विभागों के द्वारा अपने अपने मिनिस्ट्रीज के जो डाटा हैं उनका एंट्री उस पोर्टल पर किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा भी उस पोर्टल पर एंट्री किया गया है। कटिहार जिला में बीटा वर्जन उसका लॉन्च किया गया है और वर्तमान में सभी विभाग के पदाधिकारियों को उसका लॉगिन क्रेडेंशियल इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया है और किस प्रकार से उस पोर्टल का भविष्य में विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं की प्लानिंग में यूज करना है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, आंगनवाड़ी हो, रोड हो, रेलवे हो या अन्य विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स हो, वो सभी उस पोर्टल पर विजिबल होने से आपस में सभी विभाग एक दूसरे के परियोजनाओं को देख पाएंगे और उनको बेहतर प्लानिंग करने में मदद मिलेगा। उस उद्देश्य से आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है जिसमें भारत सरकार के टीम के द्वारा सभी पदाधिकारी को डिटेल में प्रशिक्षण दिया गया है।